हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल द इंडियन स्टॉक गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बोल्ट ऑडियो X30 वर्सेस बोट एयरडॉप्स एटम 81 के बारे में। इन दोनों ही बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए बर्ड्स कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको 100 से 200 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा और स्पेसिफिकेशन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो कम बजट में आपके लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाएगा गेमिंग के लिए, साथ साथ में म्यूजिक के लिए, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो केसिंग और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों आपको सिंपल केसिंग में देखने को मिलेंगे और बर्ड्स की डिजाइन भी आपको सेम देखने को मिल जाएगी। तो डिजाइन देखा जाए तो कहीं की बोल्ट ऑडियो X30 की डिजाइन थोड़ी सी प्रीमियम देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बोल्ट ऑडियो X30 में आपको 10 से 12 mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया और उसी के साथ साथ क्वाड माइक का सपोर्ट जो है मिल रहा है, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो दो माइक जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। और गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको 45 ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, तो लैग फ्री गेमिंग का भी मजा आप ले सकोगे। और बूमेक्स टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी और माइक्रो वूफर का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा, तो बेस वगैरह भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जबकि बोट एयरडॉप्स एटम 81 में आपको 13 mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया और इसमें भी आपको क्वाड माइक का सपोर्ट जो है मिल रहा है, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो दो माइक जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी भी आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको 50 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, जो कि कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है, तो यहाँ पे गेमिंग में थोड़ा सा आपको लैग प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको AAS का सपोर्ट जो है मिल रहा है, यानी एंटीसिपेट एस्ट्रोनॉइजिंग साउंड का यहाँ पे सपोर्ट जो है दिया गया, तो साउंड क्वालिटी भी आपको थोड़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए बेस्ट कौन सा हो जाता है, तो कहीं कि सब कुछ कंपेयर करने के बाद में बोल्ट ऑडियो X30 का बिल्ड क्वालिटी, साउंड और यहाँ पे आपको गेमिंग का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें इनके बैटरी बैकअप के बारे में। तो बोल्ट ऑडियो X30 में आपको टोटल जो 45 प्लेटम बैकअप जो है दिया गया और जल्दी में हो 10 मिनट चार्ज करोगे तो 100 मिनट का यहाँ पे बैकअप जो है देखने को मिल जाएगा और USB Type-C का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। जबकि बोट एयरडॉप्स एटम 81 में आपको टोटल जो है 50 आवर का प्लेटम बैकअप जो है दिया गया और जल्दी में हो 5 मिनट चार्ज करोगे तो 1 आवर का प्लेटम बैकअप मिल जाएगा और USB Type-C का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी को देख लीजिए तो इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बोट में आपको थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि बोल्ट ऑडियो X30 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। वाटर रेजिस्टेंस को देख लीजिए तो दोनों ही बर्ड्स में IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, तो अगर पानी में भी गलती से चला जाता है तो दोनों यहाँ पे आराम से झेल सकते हैं पानी को। और उसी के साथ वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट आपको दोनों में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी गूगल के साथ साथ सीरी को जो आप इजिली एक्सेस कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा इन दोनों बर्ड्स में। अब प्राइस पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए तो प्राइस में आपको 100 से 200 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। दोनों की प्राइस तो अराउंड अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बोल्ट ऑडियो X30 की प्राइस अराउंड आपको 1100 में देखने को मिल जाएगा और बोट एयरडॉप्स एटम 81 की प्राइस भी आपको 1100 से 1200 देखने को मिल जाएगी। तो दोनों की प्राइस में आपको 100 से 200 रुपए का डिफरेंस या मैक्सिमम 300 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब देखा जाए कि आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। तो अगर प्राइस ज्यादा भी रहे या कम भी रहे तो बेस्ट निकल कर आ जाता है बोल्ट ऑडियो X30, जो कि काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइज भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 45 ms की लो लेटेंसी मिल रही, जो कि काफी कम दिया गया, जिसमें आपको लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी और उसी के साथ साथ साउंड क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलनी है। तो ये तो बेस्ट निकल कर आ जाता है। बाकी आपको मन में कोई सवाल या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहां पे हम लोग डिटेल बातें कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी अनबॉक्सिंग टेक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।